हमारे घर में मेरे दादाजी के बाद में मैं ही पहनूंगा धोती। संभालना कोई आदमी रख ले। अभी मैं गांव में आ गई, पूजा पाठ चल रहा है। तो अभी दोस्तों आप सब कैसे हो। मेरे दादी जी गए हुए थे बुआ जी के पास में, कुछ दिन के लिए गए थे, शायद 2 महीने तक रहने के लिए, लेकिन उनको इमरजेंसी में जल्दी वापस आना पड़ गया। उनके भाभी हैं, उनके क्या है कि गाय का सींग लग गया, तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है। मतलब रात को दादी को उठा करके गाय ने फेंक दिया, फेंक तो गाय कुत्ते को रही थी और आगे दादी आ गई। लेकिन ठीक है, गाय कभी नहीं मारती है, गाय तो मारेगी दादी का, गाय कभी नहीं मारती है, कुत्ते को ऐसे कर रही थी, सींग उसका तीखा था ऐसे ऐसे चला गया। अब क्या ठीक है? तीखा तो है, बनेगी नहीं तीखा। अच्छा आंसू दिक्कत रहेगी, अब तो ठीक है कि टंके निकल ठीक है। ये देखो आज पानी क्यों आ गया बंद। अच्छा कल दिखा भी नहीं आया, क्या बताया कल की बोलूं, कल वापस बुलाए कोई दवाई ले जाओ वापस दिखा दिखाऊं। अब तो ठीक है, ऑपरेशन कर दिया, बोलने भी थोड़े लग गए, और मतलब खतरनाक था वो, रात को बता रहे हैं कि लगी गाय ने ऐसे किया और उसके बाद में खून गड़ू पड़े। अच्छा तो कोई हो को नहीं, सरकारी अड्डा ने अड्डा पर बैठे हो वो बोलियो देख के मर बोले समझू दादी हो गई थी। अच्छा बेटा समझू दादी को सब जान लगे, बस स्टैंड के ऊपर दादी को कोई मिले थे, दादी हो बेटा जब पता लग गयी थोड़ी खराब है। चलो ठीक है मम्मी। अब एकदम लग गया हमारा आज इसलिए पूजा पाठ का ही प्रोग्राम है, रामायण का पाठ होगा, तो ड्रेस भी मैंने उसी हिसाब से पहन ली, धोती और चोला पहना है। धोती मुझे पसंद तो बहुत है पर इसको संभालना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर संभालना कोई आदमी, हमारे घर में मेरे दादाजी के बाद में मैं ही पहनूंगा धोती। संभालना कोई आदमी रख ले। अपनी परंपरा को बचाना हमारा कर्तव्य है, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेगी और क्या देखेगी। सदा नाम मम्मी देई मां बोली बोली ठीक है, चल है किसे गांव सगा चलो दादी दादी की जरूरत है, अभी माँ वापस आएगी वहाँ पर अपनी भाभी के पास में। चलो ठीक है माँ, सॉरी है, बढ़िया काफी जगह हो गई इससे। जंगीड है डॉक्टर, उनको दिखाएंगे शिवन्या को, अभी एक बार वेट करना पड़ेगा आधे घंटे। इंसान कौन देना है, बढ़िया बढ़िया देना है। बच्चे को दिखा लिया, अब यहाँ से बाहर ही आ गई है तो आम लेने लग गई। चलो कोपरा लेने आएंगे, बाकी टाइम में नहीं लेके जाते, कोई प्रोग्राम होता है तो ससुराल में कोपरे लेके जाने ही होते हैं। मैं पूरा परिवार गेट और डूंगर गेट जब मैं करो वीडियो अपलोड है सर, एक दिन प्रेम लोग पूरा आगे टूर है गांव आए नहीं, अब तो ससुराल जाके आ रहे हूं भोजन से छोटा। चलो ठीक है, जैसे हम लोग किसी प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग लगभग सब हमें जानते हैं, तो हर घर में सबको पता है कि भाई ये वीडियो बनाते हैं शुभ जर्नी, लेकिन आप जब हमसे आकर कैसे मिलते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। अभी हम जा रहे हैं मेरे गांव में 24 घंटे का रामायण का पाठ है, 24 घंटे का अखंड पाठ जो बोलते हैं ना वो है, और जाते ही हमें उस पाठ में शामिल होना है। आज सुबह बैठा है और कल सुबह तक चलेगा। अभी गांव पहुंचने वाले हैं और हम थोड़ा सा इसीलिए यहाँ पे रुके कि आज सिया के पापा ने धोती और कुर्ता पहना है, मैंने तो मैं से बोली कि आपकी थोड़ी फोटो निकाल देती हूँ। ये रेडीमेड वाली है, बंदी बंदाई है, मुझे बांधने नहीं आती है, सीधा यहाँ पर नाड़ा है बस। और ये साड़ी जो है हम लोग लेके आए थे तमिलनाडु से। कपड़े से जज करे ना यो तो है शोक मारो, मैं भी बजे जाके थाने पंडित जी के। तो पंडित जी कैसे, ये तो पापा से लागू बैठे गाँव में आ गए और पूजा पाठ चल रहा है, इधर भाभी जी और मेरी सिस्टर है ये सब मिलके साड़ियां पैक कर रही है।
अभी गाय का दूध निकालेंगे, दोनों घरों का दूध इकट्ठा करके गर्म करके फिर दही बनाएंगे और सुबह उसकी खूब सारी लस्सी बनाएंगे। अभी पाठ चल रहा है और शाम का खाना बना रही है सब मिलके, क्योंकि खाना बनाती है तो सब एक जगह बैठ के बातें करती है और साथ साथ में खाना बन जाता है, पता ही नहीं चलता। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम।